और मैं ग्राउंड मीडिया का भी आपको धन्यवाद करना चाहता हूं और आपके यूट्यूब चैनल को मैं अच्छी तरह से देखता हूं, अच्छी कवरेज देते हैं आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का यहां जन्मदिन मनाया गया है इस राणा में। तो रमेश पहलवान जी हैं इस समय हमारे साथ, जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। सबसे पहले स्वागत है ग्राउंड मीडिया में। धन्यवाद। और मैं ग्राउंड मीडिया का भी आपको धन्यवाद करना चाहता हूं और आपके यूट्यूब चैनल को मैं अच्छी तरह से देखता हूं, अच्छी कवरेज देते हैं, आपके लिए बधाई। बिल्कुल। पहलवान जी, आपकी बेटी हरी दियंतिल जो दुष्यंत के बारे में काफ़ी अच्छी कविताएँ करती है, हर रैली में जहाँ हम जिस रैली में जाते हैं आपकी बेटी वहाँ हर रैली में पहुँचती है और काफ़ी अच्छी कविता सुनाती है। बेटी क्यों नहीं आई आज? वो प्लस टू के उसके पेपर हैं, पेपर की वजह से बिजी होने की वजह से नहीं आ पाई जी। तो पेपर पहले जरूरी है ना? बिल्कुल सही है, शिक्षा और विद्या जरूरी है। तो पहलवान जी क्या कहना चाहेंगे, आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन मनाया गया इस राणा के अंदर, पूरी भीड़ आप देख सकते हैं क्योंकि जितनी बार भी जननायक जनता पार्टी की रैलियाँ हुई हैं काफ़ी भीड़ उमड़ी है, क्या कहना चाहेंगे आप आज इसके बारे में? डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का 59वां जन्मदिन आज इस राणा की पावन धरती पर मनाया गया है जी। जी, पहले भी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने जिला सत्र पर किसी बल डोनेट करके या अनाथ आश्रम में कहीं भी जाकर के अपना सामाजिक कार्य करके इसका जो ये बना जन्मदिन मनाते थे। बिल्कुल। पहली बार एक रैली के रूप में जन्मदिन मनाने का काम किया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की पहचान हरियाणा प्रदेश के अंदर एक सहनशील और संघर्षशील और अच्छी वाणी के धनी के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने 10 साल तक राजस्थान विधानसभा में अपनी सेवा दी, उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट भिवानी से चुने गए जी। और फिर राज्यसभा के मेंबर बने जी। जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का 40 साल का संघर्ष रहा है, जिसमें हम सौभाग्य हमारा कि हम भी 32 साल से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के इस संघर्ष में हम सेवा दे रहे, हमारा सौभाग्य है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने इस हरियाणा प्रदेश से 2 बड़े किसान नेता राष्ट्रीय सत्र पर हुए, जननायक चौधरी देवलाल और दीन बंधु सर छोटू राम जी। उन्होंने जब पार्लियामेंट में मेंबर थे तो उन्होंने जो दिल्ली के चारों तरफ बाईपास जिसे KMP कहते हैं वो मंजूर कराने का काम किया जननायक चौधरी देवलाल जी के नाम से जी। और जब राज्यसभा के मेंबर थे तो रहबरे आजम दीन बंधु सर छोटू राम जी की गड्डी सांपला में उसका म्यूजियम बनाने का काम किया और पाकिस्तान से जो उन्होंने पढ़ाई भी की वहाँ पर और वकालत भी की, उनसे जुड़ी हुई हर एक वस्तु चाहे मुड्डा हो, कुर्सी हो, मेज हो, किताबें हों, कपड़े हों, पेन हो, हर चीज़ उससे जुड़ी हुई वहाँ से लेकर आए और उन्होंने एक गड्डी सांपला में म्यूजियम बनाने का उनका सम्मान देने का काम किया। बिल्कुल। पहलवान जी, आज युवा प्रेरणा दिवस के तौर पर अजय चौटाला ने कहा कि युवा प्रेरणा दिवस के तौर पर हम ये आज का दिन मनाएंगे, क्या संदेश आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से हरियाणा के युवाओं को देंगे आप? मैं 17-18 साल का था जब पार्टी के साथ जुड़ा, मैं भी युवा था, पहला वोट मैंने 1987 में दिया जी। जी। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो युवाओं को सम्मान दिया, मेरे को युवा में रहते जिला हल्का से लेकर प्रदेश स्तर तक मेरे को पद देने का काम किया जी। इस पार्टी में जितने भी आज तक युवा बनाए गए हैं, जितने भी इस पार्टी में चाहे चौधरी देवलाल जी हों जो उसके बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हों, हमेशा इन्होंने अजय सिंह जी ने युवा का पैरोकार किया है और 25-25 साल की उम्र होते ही उन्होंने MLA बनाने का काम किया। इन्होंने जब भी ज़्यादा से ज़्यादा, अब इस चुनाव में भी 70% युवाओं को टिकट दिलवाने का काम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने किया था और जिनके पद चिन्हों पर माननीय दुष्यंत चौटाला जी काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश पहलवान जी। तो आप बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया के लिए इस राणा से मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।